जिला भाजपा ने एनआईटी मुद्दे को जरिया बनाकर अपनी राजनीति चमकाने वाले व इस बहाने केंद्र सरकार और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर उंगली उठाने वालों को भी खरी खोटी सुनाई। भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि एनआईटी हमीरपुर मसले में कोरोना लॉकडाउन के चलते रुकी कार्रवाई को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक पोखरियाल व केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की मुलाकात गति प्रदान करेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्री से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर वित्त राज्य मंत्री की चर्चा हुई थी, जिनमें कि एनआईटी हमीरपुर पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों और गिरती रैंकिंग का भी मुद्दा शामिल था। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जान और जहान को बचाने को प्राथमिकता जरूर दी है, लेकिन कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा का इसको शिक्षण संस्थानों में सरकार का गुणवत्ता के प्रति गंभीर न होना समझ कर आंकना बहुत बड़ी भूल है। उन्होंने शंका जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राजेंद्र राणा किसी कारण विशेष के तहत एनआईटी मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। कहीं निजी आकांक्षाओं की पूर्ति न होना इस अनपेक्षित दिखावे की वजह तो नहीं है। जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा है कि राजेंद्र राणा को केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर उंगली उठाना शोभा नहीं देता, जो खुद कोरोना लॉकडाउन में महीनों तक विधानसभा के बाशिंदों की सुध लेने नहीं पहुंच सके और केंद्र सरकार और मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाकर सुर्खियों में बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हास्यास्पद है। एनआईटी हमीरपुर भ्रष्टाचार मुद्दे को जरिया बनाकर अपनी राजनीति चमकाने वाले राणा कान खोलकर सुन ले, केंद्र सरकार और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर पर उंगली उठाने से पहले उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जान और जहान को बचाने को प्राथमिकता दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजेंद्र राणा किसी कारण विशेष के तहत एनआईटी मामलों में दिलचस्पी ले रहे हैं। कई राणा का अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति ना होना इस दिखावे व राजनीति की वजह से तो नहीं। कांग्रेस के सत्ता सीन रहते हुए जब प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले चलते सीबीआई के छापे पड़े थे, तब राजेंद्र राणा चुप क्यों बैठे थे? तब जन भावनाओं की याद कहां गई थी? एनआईटी भ्रष्टाचार मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन राजेंद्र राणा को केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर उंगली उठाना शोभा नहीं देता है, जो खुद कोरोना लॉकडाउन में महीनों तक विधानसभा के बिशिंदों की सुध लेने नहीं पहुंच सके और केंद्र सरकार और केंद्र मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाकर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, जनता के समक्ष खुद को हांसी का पात्र ना बने।